तुलसी जी ने तो भगवान नारायण को पाने के लिए तप किया था और शंखचूड ने तुलसी को पाने के लिए तप किया था, तो दोनों का तप पूर्ण होना चाहिए था। तो दोनों का तप पूर्ण कैसे हुआ? बोले तुलसी को प्राप्त किया उस शंखचूड ने, और तुलसी अपने पति के रूप में परमेश्वर को देखती है, और भगवान का वचन है कि जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसको उसी रूप में मिल जाता हूँ। तो मुझ परमेश्वर को तुमने पति रूप में देखा, तो मैं परमेश्वर तुम्हारा पति बन करके आ गया, इसमें गलत क्या हुआ? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम का भाव है, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको भी वैसे ही भजूंगा। अब तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारा शरीर जो है एक नदी बन जाएगा, तो तुम गंडकी नदी बनोगी। यम तनुर नदी रूपा गंडकी चवे श्रुता पूता सुपुण्यदा तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे केस से एक वृक्ष उत्पन्न होगा, भगवान ने कहा उस देवी से, और वह जो वृक्ष उत्पन्न होगा वह तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा, वृंदा नाम से प्रसिद्ध होगा, वह मुझे बहुत प्रिय होगा। तब केश समूहश्च पुण्ये वृक्षे भविष्यति तुलसी केश समुद्भूता तुलसीति च विश्वतः। हे देवी, तुम्हारे केश से तुलसी नामक पौधा उत्पन्न होगा, जो फल कार्तिक मास में 10,000 गायों के दान करने से प्राप्त होता है। पंकज जी, बहुत काम की बात है, कार्तिक जैसा पुण्य महीना हो और 10,000 गायों के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक तुलसी पत्र शालिग्राम जी पर चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। बोले तुलसी महारानी की, श्री शालिग्राम जी महाराज की जय। गवाम यस्तु दानेन, हम अपने मन से नहीं कह रहे ये बात है, ये श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक हैं, देवी भागवत में लिखा है। गवायम युत दानेन यद फलम तत् फलम भवेत् तुलसी पत्र दानेन तत् फलम कार्तिके सति। हजारों अमृत के कलशों से, श्री विष्णु के अभिषेक से जो पुण्य प्राप्त होता है, जल से नहीं, गंगा जल से नहीं, अमृत के कलशों से, हजारों अमृत के कलश भगवान विष्णु को चढ़ा दिए जाएं, उससे जो पुण्य मिलेगा वह एक तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम जी के ऊपर एक तुलसी पत्र आने से प्राप्त हो जाता है। सुधा घट सहस्त्राणा या तुष्टस्तु भवेत् धरे सा चतुष्टिर्भवेन्योनां तुलसी पत्र दानता। मृत्यु काल में तुलसी का एक कण मात्र मिल जाने से पापी व्यक्ति भी भगवान के पद का अधिकारी हो जाता है और वह भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। तुलसी तोय कर्णिकाम, तुलसी तोय कर्णिकाम मृत्यु काले चयो लभेत रत्नयानम समारोह्य वैकुंठे प्राप्तते ध्रुवम। पंकज जी, अंतिम समय में जो एक कण भी तुलसी प्राप्त कर ले वो कैसे जाता है, उसकी वर्णन कर रहे हैं व्यास जी। बोले रत्न यानम, यान माने विमान, रत्नमय, स्वर्ण का रत्नमय विमान जो अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है, स्वर्ण का विमान है, ऐसे विमान में समारोही है, ऐसे विमान में बैठकर और भगवत पार्षदों से सेवित होता हुआ वह व्यक्ति भगवान के धाम को चला जाता है, जिसको अंतिम काल में तुलसी का एक कण भी उपलब्ध हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ धारण करता है वो जब चलता है ना, तो एक एक पग चलने में उसको एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति एक एक पैर जब चलता है तो उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी का अष्ट निर्माण माला गृहणाति यो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्। अद्भुत महिमा तुलसी महारानी की है। हमारे रस खान जी खूब तुलसी धारण करते थे, बड़ी भारी तुलसी की कंठियां मालाएं रस खान जी पहने रहते। किसी ने कहा, बाबा इतनी तुलसी क्यों पहनते हो? रस खान जी बोले कि देखो, तुम सब लोग तो धर्मात्मा हो, भगवत भक्त हो, मैं यवन हूं, पापी हूं, तो तुम लोग तो थोड़ी सी तुलसी से ही तर जाओगे, पर पता नहीं भगवान मुझे तारेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे कर्मों में तो ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं है कि मैं तर जाऊं, तो मैंने खूब सारी तुलसी पहन रखी है ताकि मैं इस भवसागर से तर जाऊं और ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाऊं। भैया तुलसी धारण करना अवश्य चाहिए, तुलसी की बहुत महिमा है। हम लोग 3 तोले की 4 तोले की सोने की जंजीर तो पहन लेंगे, लेकिन एक छोटा सा दाना तुलसी का हमें भारी लगता है। और बड़ी विचित्र बात है कि तुलसी धारण करने में लोगों को लज्जा महसूस होती है। कई बार हमने देखा है पंकज जी कि लोगों को कंठी प्रदान करें तो वो संकोच में रहते हैं, महाराज जी ये कंठी पहनेंगे और हम कहीं मीटिंग में कहीं समाज में जाएंगे लोग क्या कहेंगे। कंठी के बिना कंठ नहीं होना चाहिए, बिना कंठी का जो कंठ है वह कभी भी सुशोभित नहीं है। जो बिना कंठी का कंठ है उसमें तो यमराज का फंदा जो है वो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि आज के समय में हम इतना पाप तो कर ही लेते हैं कि यमराज के वहां चले जाएं। इसलिए अवश्य तुलसी धारण करके रखें। एक घटना है माताजी के, एक यवन मृत्यु के काल में कहीं गिरा, तो जब वो गिरा तो जहां उसका हाथ पड़ा वहां सूखी हुई तुलसी की काष्ठ पड़ी हुई थी, और तुलसी काष्ठ पर उसका हाथ लग गया तो तुलसी काष्ठ पर जैसे ही हाथ स्पर्श हुआ तो लेने के लिए तो आए थे यमराज के दूत, लेकिन भगवान के पार्षद हो गए, बोले आ गए, बोले इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका मृत्यु के काल में तुलसी से संयोग हो गया, अब तुलसी स्पर्श होने से अब इसको तुम नहीं ले जा सकते। और वो विमान में बैठकर भगवत धाम को चला गया। तो यह तुलसी की महिमा वर्णन है। और उसके बाद भगवान शालिग्राम जी की महिमा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। शालिग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरे तत्रैव लक्ष्मीर वसति सर्वतीर्थ समन्विता। जिस घर में शालिग्राम शिला जहां कहीं भी विराजमान रहती है वहां ठाकुर जी उस घर को छोड़ के कभी जाते नहीं है, सदा सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। शालिग्राम शिला जिस घर में होती है उस घर को छोड़ के भगवान कभी बाहर नहीं जाते। लक्ष्मी जी वहां सदा विराजमान रहती हैं। तत्रैव लक्ष्मी वसति। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी पैसा आता तो है रुकता नहीं है। देखो लक्ष्मी जी चंचल है, लक्ष्मी का स्वभाव है चंचला, वो एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती, लेकिन चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी भी श्री हरि के चरणों में जाकर स्थिर हो गई कि नहीं? भगवान के चरणों में जाकर वह सुस्थिर हो गई। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया जाए और दूसरा घर में शालिग्राम जी को विराजमान कर लिया जाए। शालिग्राम जी घर में विराजमान है तो शालिग्राम जी तो साक्षात श्रीहरि हैं, और शालिग्राम जी विराजमान होंगे तो फिर लक्ष्मी जी आपके घर को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगी।